हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही खूबसूरत ब्लॉग में। मैं हूँ जानकी जोशी, हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। लेकिन आज के ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है देहरादून बुद्ध टेंपल क्लेमेंट टाउन से। तो आज हम आए हैं यहाँ पर, जोशी जी चले गए हैं आगे, फिर से आ गई हूँ बुद्ध टेंपल देखने के लिए, क्योंकि मैं आज जोशी जी को दिखाने के लिए लाई हूँ। मैं पहले एक बार आ चुकी हूँ यहाँ पर, तो आज मेरा सेकेंड टाइम है। जोशी जी जा रहे हैं आगे से। वाह, तो मैं आज दूसरी बार आई हूँ बुद्ध टेंपल देखने के लिए। और सुबह मॉर्निंग का टाइम है, 11 बज चुके हैं अभी। ये देखो, हेलो हाय। तो जोशी जी आके चले जा रहे हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं खूबसूरत सा दृश्य। ये देखिए, वाह, फूल भी बहुत सुंदर लगा रखे हैं आज, तो फूल भी अच्छे अच्छे हुए हैं। तो मेरा पहले यहाँ का ब्लॉग है एक चैनल पे, देख सकते हैं। और ये पार्क बने हुए हैं बड़े खूबसूरत से, फूल देखो इसमें कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हो रहे हैं, ओरिजिनल बिल्कुल। ये देखिए, तो ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत और विशाल मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। ये है टेम्पल, बहुत सुंदर सा। ये देखो बहुत विशाल है, मतलब बहुत बड़ा है। और यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं देखने के लिए। अभी बहुत बड़ी एरिया में मैं आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए खूबसूरत सा, ये यहाँ पर देखिए फ्लावर, क्या मस्त फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखो कैसे लगे आपको, तो बताना मुझे कमेंट्स ज़रूर। और यहाँ पर भी देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, मज़ा आ गया। तो ये देखिए, जब मैं पहले आई थी ना तब गर्मी हो रही थी उन दिनों लग रहा है। और ये है ना, इनको ऐसे हाथ से घुमाना पड़ता है ऐसे। हाँ, इनमें कुछ मंत्र होता है, मेरे को पिछली बार दीदी ने बताया था, मैंने पूरा मंत्र पढ़ा था, कुछ लिखा रहता है इसमें। तो इनको ऐसे घुमाना पड़ता है ऐसे करके। हाँ, तो अभी हम जा रहे हैं मेन बुद्ध टेंपल में। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, जोशी जी बोले यहाँ का वीडियो क्यों नहीं बना रही है। ये देखो अभी सुबह सुबह है, लेकिन यहाँ पर अभी भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग। देख कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके थे, लेकिन ठीक हमारे आने से पहले ही ये जो है बंद हो चुका है दरवाज़ा। देखिए वहाँ पर बंद कर रहे हैं वो लोग, कुछ टाइमिंग होगी उसके खुलने की, अब बाद में खुल सकता है, लेकिन अभी बंद कर दिया है। बाकी मैं आपको बाहर का दिखा देती हूँ। ये देखिए बाहर का बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है यहाँ का, बहुत ही शानदार देखने लायक है। और ज़्यादातर यहाँ पर ग्राफी वगैरह के बच्चे दिख रहे हैं, बाकी लोकल पर्सन दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत खूबसूरत है। और हमारे जैसे कई लोग यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्यारा। तो आज मैं जोशी जी के साथ आई हूँ, पिछली बार मैं अपने दीदी के साथ आई थी। मैं जिस दिन आई थी उस दिन मेरी दीदी थी मेरे साथ में, और मेरी छोटी सिस्टर थी। उस दिन बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, पहली बार जो चीज़ को देखो तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और लेकिन आज मैं सेकेंड टाइम आ गई हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैंने देखा हुआ है। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप देखें कितना सुंदर सा है यहाँ पे बुद्ध टेंपल, यानी तिब्बती लोगों का होता है ये। ज़्यादा जानकारी नहीं है मुझे इसके बारे में, लेकिन बहुत टेंपल बहुत बड़ी एरिया में फैला हुआ है। तो अभी हमने सब कुछ कवर कर ही लिया लगभग। तो ये है 13 दलाई लामा की मर्सिडीज कार, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है, यहाँ पर रखी हुई है शोरूम में दिखाने के लिए लोगों को। और हमने भी इसको देखा, बहुत ही सुंदर लग रही थी, तो सामने से भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। और ये यहाँ पर लिख रखा है, मतलब बता रखा है उनके बारे में, कौन से दलाई लामा की मर्सिडीज कार है करके। तो ये देखिए,
लाफिंग ठंडा, पहली बार लाफिंग ट्राई कर रहे हैं हम। कैसा हो रहा, सही हो रहा? साहब हमको सिखा और मेरे को पता नहीं कौन सी मार्केट है देहरादून की, तो अभी रात का टाइम है, हम आ गए हैं खूबसूरत मार्केट में। हम रात को घूम रहे हैं देहरादून की ये सुपर मार्केट, पता नहीं कौन सी मार्केट है, बहुत अच्छी लग रही है। कौन सी है ये क्या पता, हमको किसी को पता नहीं है कौन सी मार्केट है, लेकिन हम यहाँ पर घूम रहे हैं। अभी स्टेशन में हम बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, हम यहाँ पर आ गए और हमारी ट्रेन है 11:30 बजे की रात की, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। हम तीनों क्यों हटा दे, हाथ हटा दे, क्यों हटा दे हाथ, तुम कोई पहचान रहा है यहाँ पर हल्द्वानी में, तो हटा दे यहाँ भी हटा दे, यहाँ कौन देख रहा तुमको, वहाँ तो चलो पहचान के है सब, तो अच्छा नहीं लगता है, यहाँ कौन देगा, यहाँ तुम्हारे पहचान क्यों है, कभी तो बोलते हो ऐसे डाल ले हटा ले। अरे मैं यहीं पर देखे अभी, वो है आगे देखो, आगे वो ठेला लगा है, वो साइड पे देखो ना, वो देखो कहीं नहीं है, कहाँ नहीं है यार। ये देहरादून में रात हो या दिन, हमें ऐसा एक जैसा मौसम बने रहता है, अभी रात को भी इतनी ज़्यादा चहल पहल हो रही है, तो अभी 8 बजे का टाइम हो गया, 8:30 का, देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है यहाँ पे। अपने होटल की बुकिंग भी करा रहे हैं, तो कहाँ के लिए, खाना खा लिया आपने पूछा हमसे, हमने खा लिया भैया, कह रहे थे खाना तो वहाँ खा लिया, बोल रहे कि खाना भी हमारे होटल में खाओ, क्यों खाओ, हम जहाँ मर्जी आइए वहीं खाएंगे, फिर भी तुम्हारी होटल में खाना, ऐसे होटल में कौन खाएगा, हमको नहीं खाना, हम खा के आ गए। बाप रे क्या गजब भीड़ है रात को, देखो मुझे इसको पकड़ के ऐसा।